अरुणिता को अचानक लाइव आना पड़ा। पवनदीप अरुणिता विदेश टूर के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी पवनदीप अरुणिता ने लाइव आकर अपने फैंस को बड़ी जानकारी दी है, जिसे सुनने के बाद आपको भी झटका लगने वाला है। तो चलिए बिना देर किए पूरी बात क्लियर कर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पवनदीप अरुणिता को अपने फैंस के लिए लाइव आना पड़ा। उन फैंस के लिए लाइव आए जो कंफ्यूज थे, जो पवनदीप अरुणिता की चिंता करते, उनकी हर एक अपडेट पर नजर रखे। तो ये खबर भी अरुदीप के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दरअसल पवनदीप अरुणिता को पता चला कि उनके फैंस इस बात से कंफ्यूज है कि पवनदीप अरुणिता USA जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक पोस्टर आया था जिसमें यूरोप और USA दोनों के टूर पर पवनदीप अरुणिता की फोटो दिखाई दे रही थी। पवनदीप अरुणिता यूरोप जा रहे हैं या USA, ऐसे में पवनदीप भी कंफ्यूज थे, इसीलिए वो फैंस की कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाइव आए। उन्होंने बताया कि वो इस वक्त मुंबई में और कुछ ही देर में हॉलैंड यानी यूरोप के लिए निकलने वाले हैं। पवनदीप ने ये भी बताया कि उनका USA में कोई टूर नहीं है, बल्कि USA में दानिश और साइली जा रहे हैं और यूरोप में वो जा रहे हैं, यानी दोनों अलग अलग शो हैं और दोनों जगह पर अलग अलग लोग भी जा रहे हैं। पवनदीप का ये शो 17 सितंबर से 19 सितंबर तक होने वाला है। हालांकि वीडियो में पवनदीप के संग अरुणिता नहीं दिखाई दी, ऐसे में अभी भी कंफ्यूजन है कि पवनदीप के साथ अरुणिता जा रही है कि नहीं है। लेकिन फैंस को उम्मीद है कि पवनदीप के साथ अरुणिता जरूर जाएंगी। पवनदीप के संग अरुणिता जाकर वहां धमाल मचाने वाली है और इनके इस टूर को लेकर दिलचस्प वीडियो और फोटोज आने वाली है। तो आप इनके इस टूर को लेकर एक्साइटेड हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, जहां पवनदीप अपनी फिल्म प्रेम गीत 3 के प्रमोशन में बिजी हैं, तो वहीं अरुणिता भी चुप नहीं बैठी हैं। वो भी बड़ा धमाका देने वाली हैं और वो भी बहुत जल्द, जिसकी अपडेट सबको मिल ही चुकी है। जी, अरुणिता कांचीलाल का नाम अब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मशहूर सिंगर मोहित चौहान से जुड़ चुका है। मोहित चौहान, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो इंडस्ट्री के लिए क्या है और उनका नाम कितना बड़ा है वो सब जानते हैं। इन्हीं मोहित चौहान के साथ अब अरुणिता कांचीलाल नजर आने वाली हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि मोहित चौहान के साथ अब अरुणिता कांचीलाल अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। जी हां, अब जो अरुणिता का गाना आने वाला है वो मोहित चौहान जी के साथ होगा, जिसका सबसे बड़ा सबूत भी सामने आ गया। शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, इसीलिए पूरे सबूत के साथ हम आपको दिखाते हैं। दरअसल म्यूजिक डायरेक्टर शिखर संतोष ने अरुणिता और मोहित की ये गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की है। शिखर संतोष ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया है, उसमें बताया कि उनका एक गाना आने वाला है जिसमें शिखर संतोष म्यूजिक देने वाले हैं और सिंगर अरुणिता कांचीलाल और मोहित चौहान होंगे। ये हिंदी गाना है, जल्दी आने वाला भी है। खबरें ऐसी भी है कि मोहित चौहान गाना रिकॉर्ड भी करवा चुके हैं और अरुणिता की आवाज अभी रिकॉर्ड होनी बाकी है, या जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी तब तक शायद अरुणिता भी अपना ये गाना रिकॉर्ड करवा लें, क्योंकि गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है, ऐसे में जल्द ही रिकॉर्ड भी किया जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि ये गाना फिल्मी है या फिर नॉन फिल्मी है, लेकिन जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि अरुणिता का ये गाना हिट नहीं सुपर हिट जाने वाला है, क्योंकि मोहित चौहान उनके साथ जुड़ चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाए अरुणिता को अपनी मंजिल मिल चुकी है और बहुत जल्द आप अरुणिता को बड़ी फिल्म के लिए काम करते देखेंगे। अरुणिता का नाम भी अब टॉप सिंगर्स में से एक होगा। तो आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, माना कि पवनदीप राजन बहुत अलग नेचर के हैं, वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके कायल हो जाते हैं, वो सबके प्यारे बन जाते हैं। अब इसमें पवनदीप का क्या दोष, ऊपर वाले ने उन्हें इतनी फुर्सत से बनाया ही है कि लोग काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए मॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और उनके लिए घंटों इंतजार करते हैं। जी हाँ, कोलकाता के एक मॉल में पवनदीप और इनकी मूवी की पूरी टीम प्रमोशन के लिए जाती है। पवनदीप के साथ मूवी के राइटर, डायरेक्टर और मूवी के स्टार प्रदीप और क्रिस्टीना भी थी और इन सबसे पहले पवनदीप का स्वागत किया गया। जैसे ही मंच पर पवनदीप को बुलाया जाता है तभी जनता पवनदीप का नाम जोर जोर से चीखने लगती है, उनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं, पूरा मॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है।
वीडियो में देख सकते हैं कि मॉल में कितनी भीड़ है और लोग किस तरह पवन पर प्यार लुटा रहे हैं। तभी एक लड़की जो कि पवनदीप की बहुत बड़ी फैन बता रही थी, उस लड़की को पवनदीप पर इतना प्यार आता है कि वो मंच पर चली आती है और पवनदीप का हाथ पकड़ लेती है। लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, उसे खुद पर कंट्रोल नहीं होता तो वो पवनदीप को किस करने के बहाने आगे बढ़ती है और तभी पवनदीप झटके से उसका हाथ छोड़ते हैं और पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो कांप जाते हैं क्योंकि पवनदीप को कभी भी ये सब करते नहीं देखा गया। अरुणिता कांचीलाल भी लड़की को ये सब करते देख हैरान रह गई और अरुणिता के शहर में पवनदीप का जिस तरह से स्वागत किया गया वो देखकर अरुणिता बहुत खुश हुई। तो आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि पवनदीप कोलकाता जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, पवनदीप अरुणिता के शहर कोलकाता जा रहे हैं। और इससे पहले आप कुछ और बोले, हम आपको बता दें कि शायद अरुणिता इस बार पवनदीप के साथ कोलकाता नहीं जा पाएंगी। जी हाँ, कोलकाता शो की खबर सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि सिर्फ पवनदीप ही जा रहे हैं, उनके साथ अरुणिता नहीं है, तो लोगों को बुरा भी लगा क्योंकि अरुणिता का तो कोलकाता में घर है और वो ही ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। कल रात पवनदीप लाइव आए, उन्होंने अपने इस शो को लेकर फैंस को जानकारी दी, लेकिन उनकी इस वीडियो में कहीं भी अरुणिता नहीं दिखी। अगर अरुणिता इस शो में शामिल होती तो बेशक वीडियो में दिखाई देती, वो भी अपने फैंस को जानकारी देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब साफ है कि इस बार कोलकाता सिर्फ पवनदीप जा रहे हैं, अरुणिता नहीं जा रही है। अगर अरुणिता गई तो वो अपने घर होकर आएंगी, अपने माँ पापा से मिलकर आएंगी, लेकिन शो के लिए नहीं जाएंगी। मैं आपको बता दें, अरुणिता के घर वालों की बात करें तो जब भी पवनदीप अरुणिता का शो कोलकाता में किसी भी जगह पर होता है, अरुणिता के घर वाले उस जगह पर जाकर लाइव शो देखते हैं। मतलब पवन का शो देखने के लिए अरुणिता के घर वाले जरूर पहुंचेंगे, पवन की मुलाकात अरुणिता के घर वालों से होगी, लेकिन अरुणिता नहीं होगी। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वेल, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या पवन कोलकाता जाएंगे, अरुणिता नहीं जा पाएंगी? फिलहाल तो ये 9 सितंबर यानी कल ही पता चल पाएगा कि शो में पवन के साथ अरुणिता है कि नहीं है। पिता ड्राइवर और माँ हाउसवाइफ, पूरे दिन पसीना बहाते हैं तो मणि के माता पिता अपने मणि को दो वक्त का खाना खिलाते हैं। ऐसे में मणि खाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते, लेकिन मणि की किस्मत ने साथ दिया और वो जमीन से उठकर आसमान तक पहुँचे और बड़े बड़े स्टार्स तक मणि का सपोर्ट करते दिखाई दिए। हेमा मालिनी से लेकर धर्मेंद्र जी, नेहा कक्कर जैसे कई स्टार्स ने मणि की पैसों से भी मदद की और संगीत में वो आगे बढ़े उसके लिए भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया गया। हालांकि मणि सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर नहीं बन पाए, लेकिन पंजाब के लिए वो विनर बनकर घर लौटे हैं। जब वो घर लौटे तो पूरा पंजाब उनके लिए इमोशनल हो गया। ढोल नगाड़ों के साथ छोटे मणि का घर में स्वागत किया गया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। घर में मणि जब एंट्री करते हैं तो उनके माता पिता रोते दिखाई देते हैं। मणि के लिए खूबसूरत डेकोरेशन की जाती है, उनके गाँव वाले लोग उनके लिए काफी अच्छा इंतजाम करते हैं। मणि ये सब देख कर इमोशनल हो जाते और अपने माता पिता के गले लग जाते हैं। मणि के माता पिता को भी अंदाजा नहीं था कि उनका मणि एक दिन पूरे देश में उनका नाम रोशन करेगा। मई में ऑनलाइन ऑडिशन हुए थे, जिसके बाद मणि को मुंबई में फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया गया था।